आज के इस प्रदेश स्तर के हमारे शैक्षणिक सम्मेलन में उपस्थित मंच पर राजस्थान सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री सम्मान्य सुखराम विश्नोई जी, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सम्मान्य रामलाल जी मेघवाल, उन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सम्मान्य चौधरी साहब, पूर्व प्रधान शमशेर अली जी, मंच पर उपस्थित तमाम आज के सम्मान्य अतिथिगण, इस संस्था के सारे प्रदेश और जिले के पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी के सदस्य, उपस्थित सभी सम्मान्य शिक्षकगण और पत्रकार मित्रों, आज का आपका दो दिन का ये सम्मेलन जो आज यहां शुरू हुआ है और प्रथम सत्र में उद्घाटन सत्र में सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, समस्याएं रखी, शिक्षक हित की बात की, शिक्षा के प्रचार प्रसार पे उसकी महत्वता पे सबने अपने विचार रखे और किस तरीके से इस प्रदेश में आम व्यक्ति को, आम छात्र छात्राएं को शिक्षा प्राप्त हो, अच्छे मूल्यों की शिक्षा प्राप्त हो, उसके बारे में सबने मंथन किया। हम सभी लोग, जितने भी शिक्षक संघ हैं अलग अलग प्रकार के, सभी में सब लोग सम्मिलित होते हैं मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि और अतिथि, और विशेषकर आपका जो संगठन है, एक या दो संगठन ऐसे जिसमें ज्यादातर लोग सम्मिलित होते होंगे, जिससे पता भी चल जाता है कि किस संस्था की या संगठन की क्या विचारधारा है और उस विचारधारा के अनुरूप ही लोग अतिथि शामिल होते हैं, वो सामने दिख जाता है। और आज यहां उसका उदाहरण भी पेश हो गया। आपके मुख्य महामंत्री जी ने, पूनम जी ने पूरा प्रतिवेदन पढ़ा, काफी लंबा भी था, दो तीन चार पांच पूरे किताब में चार पेज का प्रतिवेदन है, पांच नंबर पेज तक। और पूनम जी ने जो प्रतिवेदन रखा है, उस प्रतिवेदन को अगर भारत सरकार जिन दल की बैठी है और अगर प्रधानमंत्री जी उसको पढ़ ले, निर्मला सीतारमण जी उसको पढ़ ले, तो उनको समझ में आ जाएगा कि जालौर के साचौर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का सम्मेलन हुआ और उस प्रतिवेदन में जो चीज आई है, अगर ये पढ़ के भी सरकार की आंख नहीं खुले तो फिर मैं समझता हूं कि इस देश में सरकारें सुनेगी किसकी। आप देखो, उसमें बेरोजगारी की बात आई, महंगाई की बात आई, शिक्षा के अंदर जो शिक्षा के बारे में लिख रहे किताबें उनमें किस विचारधारा के लोग बैठे हैं, किस रंग के लोग बैठे हैं, वो तक आपने इसमें उल्लेख किया है। और इतना सब लिखने और सुनने के बाद में भी अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी, क्योंकि अभी सब लोगों ने सरकार से बहुत कुछ डिमांड किए, तो हम भी तो कोई सरकार ढूंढे जिसमें थोड़ा हम भी बतावे कि भाई क्या बात होनी चाहिए, और वो भी आपके प्रतिवेदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। तो मेरा सबसे पहला निवेदन ये रहता है कि देश में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के इस प्रांतीय अधिवेशन में ये सुनवाई हो जानी चाहिए कि इस देश में भविष्य के व्यक्ति को मजबूत करने वाले, इस देश को जो आगे पढ़ के मजबूत करेंगे उनको शिक्षा देने वाले लोगों ने यह कह दिया है कि अब आपका नाटक बंद करो, ये देश भूखमरी और बेरोजगारी में पिछड़ रहा है, आपकी नीति शिक्षा में जो है वो संपर्ककर्ताओं को ला रही है, ये चीज उन्होंने कही है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं उसके लिए। इसलिए नहीं, ये बात हमको शुरुआत की है इसलिए क्योंकि आज ये हो रहा है, ये समझ में आ नहीं रहा है। मैंने देखा है जो लोग पहले करते थे हर हर मोदी घर घर मोदी, वो कम हो गए, वो अब घर घर की चिंता करने लग गए क्योंकि बंद हो रहा है। इस धन्यवाद आज भी देता हूं इन लोगों को जो आपके भामाशाह बने, जिनमें काफी लोग यहां के हैं और कई मुंबई के हैं, जो आज भी मजबूत होकर आपके साथ में खड़े हैं। बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि इस सरकार की यही आर्थिक नीति रही,
तो छोटे से छोटे कार्यक्रम जो गांव में भामाशाहों के साथ होते हैं उसमें कटौती हो जाएगी, 80% फंड आपका बंद हो जाएगा, कार्यक्रम करना मुश्किल हो जाएंगे आगे, ये समय अगले 12 महीने में आएगा अगर आज ये स्थिति चल रही है तो। बाकी आप और हम सब समझदार लोग हैं, आप लोगों को ज्यादा बात करने या ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं, सब लोग आप लोग रास्ता दिखाते हो, शिक्षा का हो, राजनीति का हो, सामाजिक जीवन का हो, कुछ बातें या जो कही है उस पर सरकार जरूर गौर करेगी, कोई भी सरकार आती है उसको पता है क्या गौर करना, मगर पैसा तो अब छूटने वाला छूटेगा, मोदी ने ऐसा बड़ा ताला लगाया इस देश के अंदर। जब आप कहोगे कि कम से कम 3 महीने की तनख्वाह तो इनको कह दो हमको दे दे टाइम पे, बाकी तो बाद में देखेंगे, ये स्थिति आर्थिक नीतियों की भारत सरकार ने बना दी है। मैं आपको इतना ही निवेदन करता हूं कि हमेशा आप लोगों की आवाज बन के हम लोगों ने बात कही है, आगे भी कहेंगे, आप लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, पर आपको इतना ही निवेदन करते हैं कि हम लोग सब एक अच्छे समाज की रचना करने के लिए यहाँ बैठे हैं, एक मजबूत शिक्षित समाज जो इस देश को, इस प्रदेश को और क्षेत्र को आगे बढ़ाए, उसके लिए हम लोग सब आगे बैठे हैं। हमारा और आपका तालमेल ये होना चाहिए कि इस समाज के अंदर कितनी अच्छी बातें आए, इस समाज के अंदर जो आपने आपके प्रतिवेदन में कहा कि किताबों से केवल ज्ञान नहीं आएगा, बात सही है, हम लोग सारी चीजें कहीं जो आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो भूल रही है, आपस में कोई बात करता नहीं, मित्रता की बात करता नहीं, एक मोहल्ले में रहते हैं, आपस में बैठ के उनकी घंटे पर चर्चा होती नहीं, पहले एक दूसरे को मिलते थे, उसका धर्म जाति प्रांत को जानते थे, एक दूसरे से बात करते थे, परिवार को पहचानते थे, रिश्तेदारों के पास जाने को टाइम मिलता था, आजकल वो मूल्य सारे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं जो इस देश की एकता के लिए पहले जो थी वो बहुत जरूरी थी। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि शिक्षा के साथ में जो आपने कहा आपके प्रतिवेदन में कि किताबी ज्ञान कम होकर और जो प्रैक्टिकल ज्ञान है उसके बच्चों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट का युग आया है, ज्ञान तो वो कहीं से भी कुछ भी लेके पढ़ लेता, तेज तरार हो गया, चौथी क्लास का बच्चा इतनी अच्छी तरह से आईपैड चला लेता है और बात कर लेता है, तो ज्ञान तो उसके पास में दूसरा आ ही रहा है, मगर हमारा सामाजिक ज्ञान, हमारी जो सामाजिक रचनाएं हैं, जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, वो सिखाना, उनको मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर ये सब काम हम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको बहुत याद करेगी, क्योंकि आप ये सब करा के एक मजबूत देश की नींव आप लोग रखने जाओगे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बाकी आप सबको जो भी आपकी समस्याएं थी उसको निश्चित रूप से मंत्री जी यहाँ बैठे हैं वो भी सरकार में रखेंगे, जिस स्थिति में हम लोग हैं उस स्थिति में हम भी बात आपकी रखेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। और पुनः आप लोगों ने यहाँ जिक्र किया था पहले पंचायत समितियों का, तो निश्चित तौर पर सरनऊ बागुड़ा हमारे यहाँ बनी, उसके लिए पूरी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, मंत्री जी का, सबका, और एक हमारी भद्राजुट रह गई है तो उसके लिए प्रयास करेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर सरकार के अंदर वो भी हो जाए, ताकि आम व्यक्तियों को क्या, सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता है, सब प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न ये होना चाहिए कि इस जिले के लोगों को क्या सुविधा मिल सके। हमारे जिले जालौर जिले के अंदर आपका प्रांतीय सम्मेलन है, आपने जालौर जिले के सांचौर को चुना, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, ताकि यहाँ आने से पता चले, मगर इस जिले में शिक्षा के प्रतिशत में गिनो या विकास के प्रतिशत में गिनो, अभी बहुत पीछे है राजस्थान में हम लोग। हमने थोड़े दिन पहले ही मांग की, मंत्री जी ने भी बात की, महीने भर पहले 20 दिन पहले चिकित्सा मंत्री जी आए, जब भी मैंने कहा, 3 दिन पहले मैं गया मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को मिलकर आया, मतलब सिरोही में हमारे मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हो गई, बाड़मेर में सेंक्शन हो गई, पाली में है, जालौर इतना बड़ा जिला वंचित रह गया, तो मुझे खुशी है, मंत्री जी भी बताएंगे कि पूरा विश्वास है कि जल्द जालौर में भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी, जिसके लिए हमने जमीन का भी चयन कर दिया और आवंटन भी जमीन उसके लिए हमने कर दी है जालौर के पास में। मैं समझता हूँ कि सबका ध्येय ये रहना चाहिए कि हमारे जिले में कितनी अच्छी संस्थाएं आए, कितना अच्छा विकास हो, जिसका फायदा इस जिले का हर व्यक्ति जो है वो ले सके और उस फायदे से वो आगे बढ़ सके और मजबूत जिला और विकसित जिला बना सके, ये हमारा ध्येय होना चाहिए सबका मिलके। आप तमाम जो जालौर के बाहर के जितने भी शिक्षक आए इस सम्मेलन में, उनका पूर्ण स्वागत और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आभार।